नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश से एक बड़ी जानकारी सामने निकलकर आ रही है। मध्य प्रदेश के दमोह में मोहन सरकार का एक्शन जारी है। कसाई मंडी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। अवैध गोदाम और स्लॉटर हाउस धराशाही कर दिए गए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बताते चले कि दमोह में अधिकारियों की टीम बुलडोजर के साथ कार्रवाई पर निकल गई है और ये एक्शन जिले की अवैध निर्माण हड्डी गोदाम और इंस्टॉलर हाउस के खिलाफ किया गया है। बताते चले कि प्रशासन को लगातार कसाई मंडी में अवैध रूप से गौकशी और इलाके में बीफ बेचने की शिकायत मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर जांच की गई। पुलिस ने कसाई मंडी से करीब 4,200 किलो से ज्यादा जानवरों की हड्डियां भी जब्त की थी। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां आप देख सकते हैं मोहन सरकार का बुलडोजर कसाई मंडी पर गरज गया है। काफी दिन से तमाम शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। विजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। विजय श्रीवास्तव, मोहन सरकार का बुलडोजर गरजा है, क्या कुछ पूरा मामला बता दूं कि ये कसाई मंडी में हड्डियों के अवैध व्यापार, गोवंश की जो हड्डियां होती हैं उनके अवैध व्यापार की जो लगातार सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही थी, साथ ही वीडियो फोटोज भी डल रहे थे। इसके बाद प्रशासन ने कई बार कार्रवाई तो की, लेकिन आज सुबह सुबह पुलिस प्रशासन के साथ साथ प्रशासनिक टीम ने वहां पर अपनी कार्रवाई की और जितने भी स्लॉटर हाउस वहां पर अवैध रूप से बनाए गए थे सभी को गिराने की कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं, यहां कई गौवंशों की हत्याएं भी हुई हैं, उनकी हड्डियों का व्यापार भी हुआ है और आज भी कई है बोरे हड्डियों के जब्त किए गए हैं नगर पालिका के अमले ने। वहीं एडिशनल एसपी के इस पूरे निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। मोहन यादव की जो भाजपा सरकार है मध्य प्रदेश में, उसने ये कार्रवाई की है और बुलडोजर चलाया कसाई मंडी में और कई स्लॉटर हाउस है जो आज गिराए गए और जमीन दोज किए गए। जी विजय श्रीवास्तव, ये जानकारी मिल रही है कि इसी कसाई मंडी से तमाम शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं कि इसी कसाई मंडी में गौकशी भी की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई शिकायतें मिली थी गौकशी की और कई बार हिंदू समाज के लोगों ने, संगठन के सदस्यों ने यहाँ पर कार्रवाई की थी और पुलिस को इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन गिरफ्तारी कभी नहीं हो सकी। लेकिन कई हड्डियों से भरे हुए बोरे यहाँ पर जब्त हुए हैं और उसके बाद ये आज जो सुबह कार्रवाई की गई इसमें भी स्लॉटर हाउस गिराए गए और जो हड्डियां यहाँ पर पड़ी हुई थी बोरों में भरी हुई थी उन्हें भी जब्त किया गया है। जी इसके साथ साथ अभी और भी इलाके में इसी तरीके की क्या शिकायतें मिल रही हैं? जिस तरीके से यहाँ कार्रवाई की गई है, क्या अन्य जगह पर भी ऐसी दिक्कतें सामने निकल कर आ रही हैं? जी मैं आपको बता दूं कि दमोह जिले में गौवंश का वध लगातार कई वर्षों से होता है, कभी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अब जब से भाजपा की मोहन यादव की सरकार आई है कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं और पूरे दमोह जिले में ना तो खुले में मांस विक्रय किया जा रहा है और ना ही गोवंश के वध की घटनाएं भी सामने आ रही हैं और हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो लगातार निगाह रखे हुए हैं और पुलिस सहित प्रशासन को इसकी खबरें भी पहुंचा रहे हैं। जी विजय श्रीवास्तव, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, स्लॉटर हाउस को ध्वस्त किया गया है, क्या इनके संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो कसाई मंडी क्षेत्र है बहुत अंदर बना हुआ है, छोटी छोटी तंग गलियां यहाँ पर हैं और जितने भी ये अवैध स्लॉटर हाउस थे इनकी कोई मालिक सामने नहीं आया है। जैसे ही सुबह पुलिस प्रशासन ने वहां पहुंचा था, कुछ लोग वहां पे जरूर खड़े हुए थे, लेकिन जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो वहां पर कोई भी नहीं मौजूद रहा, सारे लोग वहां से गायब हो गए, सिर्फ तमाशबीनों की भीड़ रही है और जितने भी स्लॉटर हाउस थे जो अवैध रूप से बनाए गए थे इनके कोई भी मालिक सामने नहीं आए हैं। फिलहाल पुलिस अपनी जांच कर रही है और जांच के बाद ही ये सामने आएगा कि इन स्लॉटर हाउस के मालिक कौन थे। जी सत्यम विजय श्रीवास्तव, करीब कितने स्लॉटर हाउस पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, कोई जानकारी मिल पाई इस बारे में?
जी मैं आपको बता दूं 15 से 20 स्लाटर हाउस जो आज गिराए गए, इसके पहले भी एक दो स्लाटर हाउस पर कार्रवाई हुई थी, उनको गिराया गया था, लेकिन आज एक साथ है 15 से 20 स्लाटर हाउस गिराने की कार्रवाई हुई है। ठीक है विजय श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।